Hello friend, I myself Sujit, your physics mentor, motivational speaker and author. In this video we discuss about question number 11 of Irodov. Two particles move in uniform gravitational field with an acceleration g. At the initial moment the particles were located at one point and moved with velocity v1 equals to 3 meter per second and v2 equals to 4 meter per second horizontally in opposite direction. Find the distance between the particle at the moment when their velocity vector becomes mutually perpendicular. इस प्रॉब्लम में ऑथर करना चाहते हैं एक पॉइंट से दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है एक ग्रेविटेशनल फील्ड में. ग्रेविटेशनल फोर्स सपोज दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है. इसका वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं. कहा जा रहा है कि जब इन दोनों का वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है. कैलकुलेट करना है सेपरेशन दो पार्टिकल के बीच में, ठीक है. तो हम इक्वेशन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं कि इक्वेशन क्या होना चाहिए दोनों पार्टिकल का, ठीक है. ये पार्टिकल इधर मूव करता है v1 वेलोसिटी से, ये v1 वेलोसिटी से इधर मूव करता है और ये पार्टिकल v2 वेलोसिटी के साथ इधर मूव करता है. किसी टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी इधर हो जाता है और इसका वेलोसिटी इधर हो जाता है, ठीक है. तो ये दोनों जो होना चाहिए, अभी v1 डैश हो गया और इस समय v2 डैश हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए. दो वेक्टर जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, a और b यदि परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है. तो v1 डैश वेक्टर डॉट v2 डैश वेक्टर का वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है. नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा v1 डैश का इक्वेशन इक्वल्स टू हो जाएगा v1 माइनस gtj, सपोज दैट j वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में. इसी तरीके से v2 वेक्टर हो जाएगा v1 आई हो गया, v2 वेक्टर हो जाएगा माइनस v2i माइनस gtj. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर देते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जब जीरो करेंगे तो i.i माइनस v1 v2 और g.g इसका मतलब प्लस g² t² इक्वल्स टू जीरो, ठीक है. तो t का वैल्यू आ गया रूट अंडर v1 v2 बाई जी. ये टाइम आ गया, इतने देर में ये दोनों वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएगा. दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएगा. अब कैलकुलेट करना है सेपरेशन बिटवीन देम, ओके. तो एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर. तो ए रिलेटिव क्या है, दोनों का एक दोनों में जो एक्सेलेरेशन हो रहा है डाउनवर्ड जी हो रहा है, तो ए रिलेटिव का वैल्यू जीरो हो गया. तो यू रिलेटिव, तो यू रिलेटिव क्या है दोनों का, v1 और v2 एक का प्लस आई एक का माइनस आई, ठीक है. तो यू रिलेटिव क्या हो जाएगा, v1i माइनस v2 माइनस आई इंटू टी और इधर ए रिलेटिव तो जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा ये, ठीक है. तो एस रिलेटिव का वैल्यू आ गया v1 प्लस v2 इंटू टाइम, तो टाइम का वैल्यू है रूट अंडर v1 v2 बाई जी, ठीक है. ये डिस्टेंस आ गया, यही कैलकुलेट करना है हमको. तो एस रिलेटिव जो कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू आ गया v1 v2 v1 3 दिया हुआ है v2 4 दिया हुआ है, तो 7 इंटू रूट अंडर 12 बाई 9.8, ठीक है, ये आ जाएगा. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 2.5 मीटर आएगा. क्वेश्चन का आंसर हो गया. थैंक यू.